हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। शाहपुर गांव में लोग जल जमाव की स्थिति से भयंकर परेशानी झेल रहे हैं। पिछले 5 दिनों से लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। जरा देखिए, कमर तक लोग पानी में डूबे हुए खड़े दिखाई देंगे आपको। ये गुरुग्राम के बादशाहपुर गांव के जल जमाव की तस्वीरें हैं। ग्रामीण अंचल होने की वजह से यहां नगर निगम का कोई अधिकारी हालात का जायजा लेने के लिए नहीं पहुंचा, जिससे लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। यह गुस्सा लाजमी भी है। हालत यह है कि जल जमाव की वजह से लोगों के घरों में अब दरारें दिखने लगी हैं, जिससे करीब 50 परिवार बेघर होने के लिए मजबूर हो गए हैं। संजय राठौर जुड़ गए हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, क्या कह रहे हैं यहाँ के बाशिंदे, निगम के अधिकारी क्यों नहीं पहुंच रहे? क्या प्रशासन की आंखों को ये तस्वीरें नजर नहीं आ रही जो लोगों को बहुत परेशान कर रही हैं? जी बिल्कुल अनामिका, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से पिछले 4 दिनों से वार्ड नंबर 25 के वाशियापुर गांव में ये पानी भरा हुआ है, हालांकि प्रशासन के जो आला अधिकारी अभी तक मौके पर नहीं पहुंचे हैं। और जो पानी की हम बात करें, पानी की सतह करीबन 6-6 फीट का पानी घरों के अंदर है। लोग अपना बसर गुजारा करने के लिए मजबूर है, घर की छतों पर रह के वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान नगर निगम के जो आला अधिकारी है उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है, क्योंकि जेई अभी मौके पर पिछले 3 दिन के 4 दिन की बात करें, जेई एसडीओ मौके पर जरूर आए हैं, लेकिन अभी जो हालात है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन अभी निगम की तरफ से कोई भी इंतजाम या मौके पे नहीं किया गया। हालांकि एक पंप जरूर लगाया गया था, लेकिन उससे भी पानी निकालने में वो कामयाब नहीं रहा, क्योंकि कोई पर्याप्त साधन इनके पास नहीं है जिससे कि पानी बाहर की तरफ निकाला जाए। वो पानी बाहर निकालने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो उल्टा उसी के अंदर, जो घरों के अंदर पानी चला जा रहा है। जी अनामिका, हम पिछले कई घंटों से इस खबर को तस्वीरों के साथ दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं संजय कि प्रशासन और सरकार तक लोगों की परेशानी पहुंचे। क्या किसी ने भी यहां पर अभी दस्तक दी है? कोई पहुंचा लोगों की परेशानी को देखने के लिए, या फिर समस्या के समाधान की किसी ने बात कही हो फोन कॉल के जरिए भी? कैसा हुआ? अरे बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जनता की बात करें तो जनता ने सीएम तक गुहार लगाने की कोशिश की गई है, क्योंकि प्रशासन अभी तक पिछले 4 दिन बीत जाने के बाद उनके तरफ कोई ध्यान नहीं दे गया। और उसी दौरान, क्योंकि बीते 2 दिन में जो मूसलाधार बारिश हुई थी उसके कारण ये पानी जमा हुआ था इन घरों में। करीबन 60 से 70 परिवार यहाँ रहते हैं जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और साथ ही साथ उसी दौरान पोश इलाके की मैं बात करूँ, वहाँ पानी भर जाता है। तमाम आला अधिकारी वहाँ मौके पर पहुंच के उस पानी को तुरंत प्रभाव से कोशिश करते हैं। वो वैसे नगर निगम की बात करें, जीएमडीए की बात करें, औडा डिपार्टमेंट के चारों डिपार्टमेंट मौके पहुंच के वहां पानी निकालते हैं। और जब एक ग्रामीण अंचल में एक जो नीचे वाला तबका है वहां ऐसी स्थिति आती है, तो जो आला अधिकारी है वो अपने ऑफिस में बैठ के ही कुर्सी गर्म करते हैं और मौके पाने की वो जहमत नहीं उठाते, कभी उनको इस जो समस्या है उसका सामना ना करना पड़ जाए। जी चलो, बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। हालांकि लोगों तक कब राहत पहुंचती है, उनके घरों से पानी, उनकी गलियों से पानी बाहर निकाला जाता है, जल निकासी की व्यवस्था कब होती है, इस पर नजर बनाए रखिए। अपडेट के लिए मैं जरूर लौटूंगी।